Hey guys, what's up and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. And today I'm going to react on Alize's vlog. और धनगढ़ी में उनका स्टे था और किसी बंदे ने उसको बोला कि आप मेरे दोस्त बनो ना, मतलब मुझसे फ्रेंडशिप करो ना, ऐसा कुछ भी उनके साथ किस्सा हुआ है, तो मैं देखने वाली हूँ यार इतनी हिम्मत किसकी हो गई. और फाइनली शी इज गोइंग टू हर ससुराल, तो वो वाली एक्साइटमेंट भी मैं देखने वाली हूँ. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ये क्या था, ये कैसे किया भाई, ये देखना है मेरे को. मम्मी तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रॉम धंगावली. धंगावली में हम लोग धंगड़ी धंगड़ी. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रॉम धंगड़ी धंगड़ी धंगावली जो भी है. एनी वेज गाइज, आज हम लोग बहुत लेट उठे, लेकिन आज पता क्या आ रहा था, बार बार रूम में नॉक टक 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 टक. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब अगर आप किसी होटल में रह रहे हो तो यार आपको इतना बड़ा बाहर दिखता नहीं है. डू नॉट डिस्टर्ब का रूम सर्विस, रूम सर्विस, रूम सर्विस. अरे यार देखो तो डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड, मत तंग करो, सोने दो यार, सोने दो प्लीज. 22 आवर्स के हम लोगों ने वो की हुई है जर्नी, सोने दो. लेकिन कोई नहीं, हम लोग उठ गए, हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया और ये बाहर जरा थोड़ा सा पता नहीं क्यों रश लगा हुआ है, पता नहीं, अल्लाह खैर करे. और आयुष गया है बाहर पटाखे वगैरह लेने के लिए और हमें कुछ तीन चार और चीजें चाहिए. और आई एम लविंग माई लेंसेज है लगाए और कैसे नहीं, यहाँ पे बहुत गर्मी है यार, यहाँ पे बहुत गर्मी है. लाइक मैंने ये बस यही पहना हुआ है, बहुत गर्मी है और मैं कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहन सकती, बहुत ज्यादा गर्मी है. जाके देखो एक बार, मैं आपको दिखाती हूँ रश, पता नहीं क्यों लगा, दिखाती हूँ. दिखाओ, देखे. अरे आप लोगों के लिए भैया, ठीक है, ये हम रात के अंधेरे में हमें यही मिला था होटल, तो हम इधर ही रह गए. इधर से ये व्यू है और लोग इधर रश वगैरह पता नहीं क्यों लगा हुआ है. एनीवेज चलो लेट्स गो. सो गाइस ये मेरा रूम है और मैं थोड़ा सा हिम्मत करके बाहर आई हूँ. मुझे आयुष की तरफ से वार्निंग मिली थी, अगर तुम बाहर निकले तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगा. बिकॉज यार पहचान लेते हैं लोग और ऐसी जगह पे यार नहीं सेफ फील होता होगा. डोर में हूँ मैं, निकली नहीं हूँ. देखते बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है. देखो सफाई भी दे देते हैं साथ साथ के. देखो मैं बाहर ज्यादा नहीं गई हूँ, सिर्फ इतना ही गई हूँ. गाइस आई थिंक वो स्कूल है. कौन सा, आवाज तो आ रही है लेकिन वो ग्राउंड में जो दिख रहा है. हाँ, प्रेयर हो रही है क्या सुबह की? हाँ ये स्कूल बस भी खड़ी है येलो कलर. बट ओके अभी तो छुट्टी होने वाली होगी. गुड. सो गाइस मैंने कोशिश किया बाहर जाने के लिए कि मुझे कुछ समझ नहीं आया. लिफ्ट से निकलते ही तीन चार लोग बैठे हुए हैं तो मैं फटाफट भाग कर जो है आ गई. और हम लोग ये होटल जो है चेंज करेंगे बिकॉज हम लोग रात को हमें कुछ मिल नहीं रहा था. हम लोग क्या बोलते हैं वो मतलब डूब रहे थे. हमें तिंका मिला था, हमें तिंका का सहारा लेकर रात गुजार ली, लेकिन वी नीड टू चेंज दिस होटल. सो यप आयुष गया है देखने के लिए सारी चीजें. एंड अभी वो बाहर से ही नाश्ता करेगा, कल जो उसके साथ सीन हुआ था वो तो कुछ खा ही नहीं रहा है. क्यों, जब हम जाएंगे तो मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूंगी. अभी यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिला तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है. इस्मा और मैं हिम्मत करके शायद अगर इस्मा मेरे साथ चले तो मैं नीचे जाऊंगी, अदरवाइज तो मैं अकेले तो मैं नहीं जाऊंगी. मत जाओ, इस्मा आई है मेरे साथ. इतनी हिम्मत ना करो. कुछ ज्यादा ही फ्लोर पे यार सामान कैसे चढ़ा रहा है. लिफ्ट है या नहीं है? अरे लिफ्ट रही. चले खोलू खोलू, खुलती हूँ. चलिया गाइस हम लोग आ गए हैं बाहर और इधर काफी लोग हैं. लाइक मैं जो आप लोगों को ऊपर से दिखा रही थी ना वो सब इधर ही हैं. स्कूल कॉलेज है क्या आसपास? वो तुमने देखा वो मंत्री की पैदी जिसमें वो आता है कुंडी मत खटकाओ राजा सीधा अंदर आओ राजा. आज वहाँ पे वो होगा खटका इधर. आई एम श्योर यही होने वाला है. मंत्री ये रेस्टोरेंट है. क्यूट सिंपल है ना. नाइस इधर बैठते. अरे इसमें बड़ी क्यूट लग रही है तो. अरे वो पेंटिंग की चीज. सॉरी पागल क्या हुआ? अच्छा फोटो लेनी थी. क्या बोल रहे आप? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो. क्या बोल दिया ऐसा? मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए.
हम सब फ्लॉन्ग लिया है, हम ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करते। देखो हमारे लिए हमारे दिल का मंत्री तो आयुष है भैया, खत्म बात। इसको आपका चलना चाहिए चुपचाप। ये किस्सा आयुष को बताएगी तो गुस्सा नहीं करेगा? नहीं भाई, मैं तो ऐसी नहीं, मैं तो अपने सीधा देखती भी नहीं, सीधा निकल जाऊंगा। हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, सारा बोरिया बिस्तर ले लिया है, मम्मा ने भी ले लिया है। यही बोरिया बिस्तर नहीं है, मेन तो बाद में आता होगा। देखते हैं क्या हो रहा है। आप लोगों का भी सारा सामान, आप लोगों का सामान इतना फैला हुआ है? ओके ओके ओके। सो यप, वी आर चेकिंग आउट एंड देन लेट्स सी। वो जगह बहुत अच्छी, ये लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं रूम्स छोटे लेकिन एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है। सो यप, वहां पे हिरन भी, ये लोग बता रहे हैं। लेट्स गो। बैग है जो मुझे बहुत पसंद है, और आयुष आप ये मुझे ला कर दोगे कसम से, ये मैं दुबई लेकर जाऊंगी। मुझे ये बैग बहुत पसंद है, कि यहाँ पर आने से पहले ही मुझे आयुष बैग साथ था। इतनी हरी हरी करता है ना ये। मुझे आपके साथ पिक्चर लेनी है, और बोलता है मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर आया हूँ, और उसे वो ना वो भी दिखाई कट्टा। हाँ गन। और मुझे पता है क्या बोला, कहाँ है गाड़ी हमारी? हाँ गाड़ी देखो, अरे दिखाया नहीं, क्या बोला वो तो बताया नहीं। ओ वाह, कौन सी वाली जान, मुझे दिख नहीं थी। ओ व्हाइट वाली, यस यस मैंने दिखी दिखी। ओके गाइस, अभी मैं अंदर जा रही हूँ, फिर वहाँ पे जाके। वाओ माय गॉड, यार क्यूट यार। इसकी ब्रेक छोटी है, अल्लाह ये उसकी तरह जेम्सन नहीं, वो छोटी वाली जो है तुम्हारी। डोंट शू मुझे दिखा रहे हो, बहुत क्यूट है यार ये छोटे मुंह में, मेरे को बड़े क्यूट लगते हैं। पहले मुझे बड़ा डर लगता था, अब मेरे को क्यूट लगते हैं, है ना? कितना क्यूट है। ओए ये आवाज निकाल रहा है, हां ऐसा ही है ये। इसका नाम क्या है? मैक्स। मैक्स लड़का है मतलब? मैक्स कति नाम रो, ये रो रहा है, ये रो रहा है, आप ले लो, आपको आपका है ना। ऐसा ही करता है ये, अभी उठा है ना, अल्लाह सोकर उठा है इसलिए। अरे यार बहुत क्यूट है यार, क्यों ये घंटे का सफर है। सो गाइस यहाँ से हमें 25 मिनट्स लगेंगे वहाँ पर पहुँचने में न्यू होटल में, और हमारा खाना जो हमने मंगवाया था वो ये रहा। हमने ऑर्डर कर दिया था बिकॉज हमें नहीं पता था कि आयुष आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे फैन मोमेंट हो रहा है, मैं इधर बैठी हूँ और ये सामान भी रख रहे हैं ऊपर सारा। तो मुझे गिफ्ट्स आएंगे, मुझे उन्होंने पकड़वा दिए। क्या है ये क्या है? नॉन डस्ट इरेजर। इरेजर गिफ्ट में कौन देता है? एक सेकेंड, इरेजर बच्चों बच्चे तो इसी में देंगे ना, गिफ्ट कुछ देना होगा उनके पास। हाँ कुछ और दिखा मुझे, चमकी और अभी हम अपने क्या नाम है इसका आयुष? गोदावरी। आप लोगों को याद है गाइस गोदावरी? माया याद आता है भाई। यहाँ पे तो बिल्कुल मुझे वो फिश टेल वाली वाइब्स आ रही है ना आयुष, आपको नहीं आ रही क्या? एरिया अच्छा यार, नेपाल के होटल जितने भी मैंने इनके व्लॉग में देखे ना, बहुत बड़े बड़े और लग्जरियस होटल देखे हैं, मतलब ओपन प्रॉपर्टी पूरा।
बड़ी क्यूट लग रही है, बहुत प्यारी है यार, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, लाइट लग रही है, ठंड लग रही है। फाउंटेन कहाँ है? हाँ वहाँ पे फाउंटेन है, वाह यार इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में भी इतने लोग लगते होंगे ना। विला, ओ वाह, बट ओके इट्स ओके, उधर से तो अच्छा ही लग रहा है मुझे तो। ओ विला थ्री इज मा गाइस, हमारा ओरिजिनल घर का विला नंबर भी थ्री है। वो हमारे घर का विला भी विला थ्री है ना दुबई में। सो गाइस दिस इज आवर रूम, ठीक है, ये काफी छोटा सा है, हम इधर वैसे भी नहीं सोना है, इधर सोने के लिए तो हम नहीं आए हैं, सो इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, हम सिर्फ इधर मतलब थोड़ी देर के लिए, वैसे भी हमें रात में निकल जाना है लाइव करके, सो यप। टॉयलेट दिखा दी, टॉयलेट अच्छा है, मैं तो नहा लूंगी कसम से, मैंने नहाया नहीं था वहां पर बिकॉज मुझे वहां के टॉयलेट से बहुत दहशत आ रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल ही क्या बोलते उसे सफेद था, और मुझे सफेद रंग से थोड़ा सा मसला होता है, सफेद लाइट से। सो सो गाइस आयुष हमें अभी एक जगह दिखा रहे हैं, वहां पर हम बैठ सकते हैं, राइट ऊपर, और हिरन भी दिखाएगा, उसकी तारीफ करे थे ये लोग बड़ी, तो यस चलो चलो मुझे क्यों पता नहीं क्या करेगा पर डाल दो इधर दोनों हाथ, हाथ पकड़ के चलो यार, यही तो मोमेंट है, बाल बना के आई है आराम से, हां मैं भी बोल रही हूं, बच्चे एक हिरन की बच्ची है, एक हिरन है, मुझे लगा वो स्टैचू टाइप होगी, दोनों आ भाई किसको हाँ आयुष ने खाना देखकर हम ये बोल सकते हैं कि वो गरम करवा दें, राइट है गाइस, ये रहा वो फाउंटेन जो आयुष बता रहा था, देखो इसके साथ दिल भी है, नमस्ते आयुष के साथ दिल भी है, दिल का है, अच्छा वो रहा पीछे, वाओ वाओ यार बड़ी प्यारी जगह है ये तो, ओवरऑल देखना और व्यू देखो यहाँ से, ये कैमरा व्यू देखो गाइस, इधर सामने बैठ कर इधर खाना भी खा सकते हैं ना आराम, लेकिन ये तो हम शोर है, आवाज नहीं सुनाई देगी ना, पानी का शोर है ना यार, वाओ फिर से याद आ गया यार, वो सिल्वर अच्छा ये पेड़ है शायद पीछे, मुझे बड़े पसंद है लोग कलर के लिए आए हुए हैं, हाँ ओके गाइस ये मंदिर है, वो चप्पल के साथ आ जा सकते हैं, ओके ओके वाह प्रॉपर पेंटिंग है, काफी कुछ है, ऊपर भी सकते हो इधर भी सकते हो, उधर हिरन देखो उधर आ, हिरन कहाँ है दिखा दो यार, बहुत टाइम हो गया, तो ये तो जंगल वाला खोले हुए हैं क्या, नहीं पागल आ इधर से, किधर से कहाँ जाना, ठीक है इधर, हाँ ये तो पूरा जंगल वाला एरिया शुरू हो गया यार, आयुष जिन तो पालतू है आयुष पकड़ लेता है, लेकिन माँ का आप पकड़ लेगी, हाँ नहीं मिली होगी तो रख लेंगे, कैसे को जाना लगा, ये पूरा जंगल है इधर तो यार, ओ माय गॉड मारते तो नहीं ना, आंखें चमक रही है इनकी तो, फ्लैश लाइट लग रही है इंशाल्लाह, आयुष ठंडी तो पागल यार, टच करो उधर मत जाओ इधर, मुझे लगा उनकी मम्मी नहीं है लेकिन आ गई साथ में, आ बीबी और आ जाओ आओ कट कर दी उसने, अरे डर रहा है। सो गाइस ये इधर देखो आयुष, ये एक मेरा चांद इधर है और ये आप लोगों का चांद एक इधर है, दिखाई नहीं हम लोगों का चांद तो दिखा देंगे आप लोग, आपका देखा वो अच्छा है यार, आयुष इधर आओ ना, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें क्या हिरन पाक पाक कर खानी है, पागल फजूल में, अरे यार इनकी आंख में देख चमक यार, आयुष भाई अरे यार मेरे को हिरन बड़े पसंद है यार, उनका कलर इतने क्यूट होते हैं, डॉट 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 भी होते हैं उनकी स्किन पे,
आयुष बोल रहा था ये होटल है या फिर जू है। यहाँ पे हमने एक बिल्ली भी देखी। कहाँ गई? अरे 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 खाना खा रही है ये तो, भाग गई। किसी का खाना था खा के भाग गई। कहाँ गई? किसी का खाना था खा के भाग गई। बिल्लियों से तो वैसे भी इनको प्यार होगा ना, क्योंकि इन्होंने इनके घर पे हैं। आयुष हम इधर ही ऊपर बैठेंगे, इनको बोलो। हाँ देखो लाइट जल रही ना पेड़ों की, बड़ा सुंदर लगेगा आपको। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है यार। अच्छा यार। कौन सा सो गाइस की टॉप है एंड देन आप लोग वो देख सकते हो। देखो ये पूरा जैसे गोदावरी दिख रहा है मुझे लगता है। ओह वाओ इट्स ब्यूटीफुल। देखो यहाँ से ये रोड है पूरा, बहुत अच्छा यार। अरे ये तो खतरनाक काम है। बस सो गाइज आई वॉज क्रेविंग फॉर समथिंग स्वीट और डेजर्ट। देखो उई लग गया मुझे। ओए होए वाओ डिलीशियस, खाकर देखते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हो गया। ये देखकर किसी के मुंह में पानी आ रहा था, मेरी गलती नहीं है। कैसा हो तुम कहानियों की परियों की तुम माँ? अस्तग़फ़िरुल्लाह अभी तुम कितनी मैसी हो यार। क्या हुआ गिरा दिया? अल्लाह मम्मी ये देखो ये कैसे खाए बंदा। ये देखो ये डिबो रही हूँ, वो नीचे गिर रहा है क्या? पहले साइड से खा लो ना। नहीं देखो कुछ हो रहा ना। गाइस बहुत गंदी है, हॉस्पिटल ले जा रहे। क्या हुआ सच में गंदी है क्या? Really bad. आइसक्रीम भाई तो चुपचाप आइसक्रीम ले आ। Oh my god. नहीं वन स्कूप। वाह वाह दंदा निकला क्या? अरे 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 बहुत भारी सा लग रहा है। फीमेल है शायद, मेल है? कितने महीने का है? आ मेरे पास आओ बेबी। देख के ऐसा लग रहा है फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है। किसका? हाँ जो मुझे चाहिए था मम्मी, ये बोलती हूँ मैं। हाँ लेकिन आयुष बोलता है इसके बाल बहुत गिरते हैं। गाइस ये देखो इसको और वो देखो। वो दरवाजा खोल के कहेगी भाई तू बाहर जा। देखो मम्मी नहीं वो भौंकेगा। कहाँ से लाए तुम? इधर दो चार कुत्ते देखो दरवाजे में पिट कर रहे हैं। हाय बोल रहे हैं। बाहर जाएगा तो सब तीनों के साथ करना। हिरन भी देखा हमने। क्या ले करूँगा? हिरन आयुष मम्मी आवाज निकाल रहे वो नहीं करूँगी। ये बच्चा क्या है? गाइस यहाँ पे जो है हमने आग लगवाई आयुष ने और अब मामा भी आ गए। हाय मामा। हाय। और मामा जो है मेरे लिए शैम्पू लेकर आए फाइनली। कंडीशनर जो है ये क्योंकि ये वाला मैं शैम्पू यूज करती हूँ। या कौन सा वाला? कसम का। तो अब कंडीशनर आप कोई भी लेकर आइएगा मामा, ठीक है? डन। और आयलैंड का पानी, ठीक है? फिर जाओ मामा। अरे झूला इतना बड़ा, तू खुद का रख दे। हे बुड्ढा लौट लाइए। पैर ऊपर करो, पैर ऊपर। अरे पैर सीधे ऊपर करो। हाँ ऐसे। हाँ।
अजय 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 पछाडि त धक्का दिन हाँ ये सही ये सिर्फ लकड़ियां लगा रखी यार ये टूट ना जाए हजम से दो अगर बंदे बैठे तो है ना ये टेढ़ा जा रहा है अपने आप को क्या करूँ तुम मुझे नहीं लगा रही दादा लगा ना सही मुझे आधा ना पूरा लगा रहे आगे तक जाना जितना दम है उतना तो धक्का मार ही दिया लड़की ने इतना ही दम था बाकी आप खुद तेज कर लो हाँ ना ये ट्रिक आती है तेज करने की ना खुद से सो गाइज मैं अपना व्लॉग यहीं पे ही बंद करती हूँ बाकी का आप लोग आयुष और इसमें के व्लॉग में देख रहे होंगे अब हम खाना खाएंगे उसके बाद वैसे भी सो जाएंगे और शाम के लिए निकल जाएंगे आई एम सो 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 एक्साइटेड मुझे वीडियोस और पिक्चर्स दिखाई है आयुष ने लाइक जो उनका ऊपर वाला घर है उन लोगों ने मतलब हमारे लिए डेकोरेट करवाया है बेड रख लगवाए हैं डाइनिंग रखवाया है सिटिंग बनवाया है एंड इट्स सो ब्यूटिफुल आई कैन नॉट इवन आप लोग हमेशा मुझे इतना अलीज़ आयुष के घर में रहो अलीज़ आयुष के घर में क्यों नहीं रहती अलीज़ जा रही है फाइनली अलीज़ आयुष के घर में और इस तरीके से वेलकम हो रहा है ना आई कांट मैं आप लोगों को पूरा घर का टूर करवाऊंगी हाँ। आप लोग ऊपर वाला घर देखना जो उसने हमारे लिए सजवाया है और नीचे वाला देखना जिससे वो खुद रहेगा लाइक इतना फर्क है ना और सच में लग रहा है कि बुहारी जा रही है अपने ससुराल सो एक्साइटेड अच्छा मिस मत करना और बस दुआओं में याद रखना और बस ये लव यू ऑल सो मच एंड मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और यार मतलब वो एक्साइटमेंट दिख भी रही है यू नो पता है जब हम ये होते हैं ना जब हमारा पार्टनर हमारे घर आता है ना देखो घर सबका अच्छा होता है ठीक है जितना जितना होता है पर जब आपका पार्टनर आपके घर आता है ना आपकी एक्साइटमेंट अलग होती है उसको क्या चीजें पसंद है वैसे कर दूं है ना और ये तो इतनी दूर से आए और रहने वाले हैं तो आयुष को ये होगा ना कि यार सारी चीजें वैसे करूं जैसे उसको अच्छा लगता है जैसे इन्वायरमेंट में वो रहती है ठीक है जैसे चीजें उसको पसंद है कि एक सिटिंग एरिया हो एक डाइनिंग एरिया हो ऐसे हो वरना घर पे हम कई बार होता है कि ऐसे गांव में डाइनिंग एरिया नहीं भी होता है मतलब डाइनिंग टेबल नहीं होता है हम नीचे बैठ के साथ में खा लेते हैं लेकिन उसके लिए वो चीजें करवाना तो मैं वो डिफरेंस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ जो अलीजे ने बोला नीचे वाले में और ऊपर वाले में कितना डिफरेंस होगा तो उससे पता चलता है कि यार बंदा जहां वो रहने वाला है वो उसको वैसे ही पसंद है वैसे ही चलेगा लेकिन जहां वो रहने वाली है चाहे वो कुछ दिन के लिए समझ रहे हो चार पांच दिन या एक वीक के लिए जितना भी वो रहने वाले हैं लेकिन वो अच्छे से रहे वो चीज टेक केयर करना यार बहुत यू नो सच में प्यार दिखता है हर एक चीज में यार मैं आयुष को जितना अप्रिशिएट करूँ ना टचवुड नजर ना लगे उसको वो बहुत यू नो मैच्योरिटी से सारी चीजें कर रहा है उसका भी ध्यान रख रहा है उसकी फैमिली का भी आना जाना भी और फिर मतलब वो इतना इंजॉय भी नहीं कर पा रहा होगा बिकॉज एक होता है फ्री होके इंजॉय करना एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है लेकिन फिर भी आप ट्रेवल कर रहे हो सारी चीजें हैं तो वो मैनेज बड़ा अच्छे से कर रहा है और मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए आई होप आप भी होंगे एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू लाइक इट इफ यू डू देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय